शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम् जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले हो परख, निज तत्व को समझो। शब्दों की उलझन में निज तत्व उलझ गया। राउर के पिछवारे गावे चारियु सैन, जीव परा बहुलूट में नाकछ लेन न देन। ये बीजक की साकी। राउर, राउर के दो अर्थ हैं, अंतःपुर और श्रेष्ठ। अंतःपुर को राउर कहते हैं और श्रेष्ठ को राउर कहते हैं। यहां श्रेष्ठ का अर्थ है गोरखपुर और उस तरफ की भाषा में रमुआ बहुत है। रमुआ जाताड़ी, आप जा रहे हैं। राउर श्रेष्ठ। राउर कौन है, श्रेष्ठ कौन है? ये जीव आत्मा और इसके पिछवारे गावें चारियु सैन। साहब के शब्द भी और कथन भी कैसे अद्भुत अद्भुत है। राउर के पिछवारे गावें चारियु सैन, राउर श्रेष्ठ, ये जीव आत्मा के पिछवारे पीछे चारियु सैन गाते हैं। सैन नाम संकेत, चारियु चारो वेद, ऋग जस साम अथर्व, ये चारों शयन में गाते हैं, संकेत में गाते हैं, संकेत में कुछ कहते हैं। लोग समझ नहीं पाते इसलिए खूब उलझे। जीव परा बहुलूट में, जीव बहुत लूट में पड़ा है। लूट का अर्थ आनंद और क्लेश दोनों होता है। क्या बहुत लूट में पड़े हो, यानी क्या तुम्हें मिल गया है, और लूट आनंद और क्लेश लूट जाना। लूट जाना तो सब समझते हैं क्लेश, लेकिन क्या लूट में पड़े हो, यानी बहुत माल टाल लूट रहे हो क्या, यानी क्या तुम्हें मिल गया है, और लूट आनंद और क्लेश लूट जाना। लूट जाना तो सब समझते हैं क्लेश, लेकिन क्या लूट में पड़े हो, यानी बहुत माल टाल लूट रहे हो क्या। सपने में आनंद और क्लेश दोनों होते हैं, लेकिन जागने पर न आनंद न क्लेश, दोनों धोखा। ऐसे जीव धोखे में पड़ा। पांच आवरण जीव के ऊपर हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पांच कोश, जैसे पांच पर्दों के भीतर कोई वस्तु रखी हो। पांच खोल हो और पांचों खोलों के बीच में वो वस्तु रखी हो, ऐसे ये पांच खोल है। पहला अन्नमय है, जो आंखों से दिखाई देता है।
ये अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से जीवित रहता है और बिना अन्न के ये नहीं रह सकता है। अन्न का अर्थ है भोजन, एक अन्न का अर्थ है चावल दाल इत्यादि, लेकिन खास अन्न का अर्थ है भोजन। भोजन से ये शरीर पैदा होता है। माँ बाप भोजन करते हैं, उनसे रजवीर बनते हैं और तभी गर्भाधान होता है। अन्न से पैदा होता है, अवन्न खा करके जीता है। अन्न न मिले तो ये नहीं रहता है, ये अन्नमय कोश है, ये स्थूल शरीर है। जागृत इसकी अवस्था है। जागृत में ये प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को देखता है, उसमें कुछ को अपना और कुछ को पराया मानता है, अपने में हर्ष और पराये में तटस्थ रहता है। अपनी मानी गई चीजों में हानि होती है तो क्लेश होता है, लाभ होता है तो आनंद आता है। इस झमेले में पड़ा रहता है। दूसरा मनोमय कोश है, संकल्पों स्मरणों स्मृतियों का समुच्चय मनोमय कोश है। जहाँ तक सोचा जाता है, स्मरण आता है, याद होती, मनोमय कोश है। मनोमय कोश में इतना तादात्म हो जाता है कि जो स्मरण आते हैं लगता वो मैं ही हूँ। काम वासना आई तो आदमी समझता है मैं काम वासना हूँ, उससे अलग अपने को नहीं मानता, उसे बहता है, अलग समझे, उसको छोड़ दे, शांत हो जाए। क्रोध आया बह गया, लोभ आया बह गया, मोह आया बह गया, जो जो विकार आते हैं, जो जो वृत्ति आती है, उसी में ये जीव बहता रहता है। मनोमय कोश, मनोमय से अपने को अलग नहीं समझ पाता है। फिर विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय के बाद प्राणमय है, तब मनोमय है। प्राणमय अन्नमय से सूक्ष्म है, लेकिन मनोमय से स्थूल है। प्राणमय वायु का समुच्चय, शरीर में प्राणों का जहाँ तक, वायु का जहाँ तक पसारा है वो प्राणमय कोश है। एक प्राण खास अंदर फेफड़े से बाहर नाक तक हवा का आना जाना, ये प्राणमय कोश प्राण है, लेकिन शरीर भर में प्राण है और वो सब मिला करके प्राणमय कोश है। ये अन्नमय कोश से सूक्ष्म है लेकिन मनोमय से स्थूल है, उसके बाद मनोमय है और उसके बाद विज्ञानमय है। विज्ञानमय नहीं, बुद्धि कोश, जहाँ पर बहुत जानकारियों का, ज्ञान विज्ञान का संचय होता है और अंततः है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का उग्र प्रकटीकरण सुसुप्त में होता है। सुसुप्त में कोई क्लेश नहीं रहता है, इसलिए आनंदमय कोश उसमें उजागर रहता है। लेकिन जागृत अवस्था में और स्वप्न में भी वो रहता है, अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति देखकर आनंद की अनुभूति होती है। आनंदमय कोश वहाँ उपस्थित रहता है। इन पांच कोशों की खोल में जीव उलझा है, इन्हीं में घूमता रहता है, रात दिन इन्हीं में घूमता रहता है, इनसे अपने को अलग नहीं समझ पाता है और इनके संबंधित प्राणी पदार्थ और परिस्थितियां होती हैं। जीवन भर प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में होके
हर इंसान गुजरता है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल लगे रहते हैं, रिचता है, खींचता है, उलझता है, सुखी दुखी होता है, राग द्वेष करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अपने आप का होश हवास नहीं रहता है। तत्व विवेक करो, अपने को पहचानो, आप कौन है? क्या स्थूल शरीर आप हैं? स्थूल शरीर में क्या है? एक हड्डी की झोपड़ी है जिसे ठाट खड़ा है, कंकाल, मांस है, चाम है, नसों में रक्त का वहन है, टट्टी पेशाब निरंतर बनती है, अनेक विकारी वस्तु इसमें भरी है। यही समुच्चय तो अन्नमय कोश है। इसमें कौन वस्तु आप हैं? क्या आप घृण टट्टी पेशाब हैं, हड्डी चाम हैं, गीला शव? गीला गीला शव, मुर्दा ये शरीर, मांस रक्त पसीना से लथपथ लाश। इस लाश को हम अपना स्वरूप मानते हैं। कितना घोर अविवेक है, जो क्षण क्षण बदलता है, स्थिर नहीं। बचपना का शरीर कहाँ गया? कौमार्ज कहाँ गया? जवानी थोड़े दिन में उड़ जाती है, अधेड़पन आ जाता है और देखते देखते जर्जरता। निरंतर गतिशील है, जो हरदम बने और बिगड़े, घृणित हो, दुख से भरा हो, वो आत्मा कैसे हो सकता है? अगर ये मेरा स्वरूप होता तो मेरे लिए दुखदाई न होता। अपना स्वरूप कभी अपने को दुखदाई नहीं होता है, आग को आग जलाती नहीं है। अपना स्वरूप अपने लिए अहितकर नहीं होता है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि शरीर के संबंध में जीव को सब समय भय और कष्ट है, पदे पदे तकलीफ है, भय से भरा है, और इसका कुछ ठिकाना नहीं है कब ये लुढ़क जाए। तो क्या मैं यही स्थूल काया हूँ? मैं तो ज्ञाता हूँ। कुछ सामान्य लोग समझते हैं मैं प्राण हूँ, प्राण और आत्मा का भिन्नत्व तो नहीं समझते। प्राण तो हवा है, प्राणायाम क्रिया द्वारा हम प्राण पर संयमन कर लेते हैं। हठ योगी लोग तो लंबे समय तक प्राण को रोक लेते हैं। तो प्राण नियंत्रित है, नियंत्रक नहीं है। नियंत्रण करने वाला मैं हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, और ये नियंत्रित है मेरे द्वारा। ऐसी इंद्रियाँ, स्थूल अन्न शरीर के जो अंग हैं, ये सब स्वयं नियामक नहीं है। नियामक तो जीव है, आत्मा है। ये नियमन में, जीव के नियमन में चलते हैं। जीव इनका नियमन करता है, नियंत्रित करता है। आँख से रूप देखा जाता है, कान से शब्द सुने जाते हैं, नाक से गंध सूंघी जाती है, जीव से रस चखा जाता है, चाम से ठंडी गर्मी इत्यादि कोमल कठोर स्पर्श का ज्ञान होता है। अगर एक आदमी खाता हो, एक सूंघता हो, एक देखता हो, एक सुनता हो, एक स्पर्श करता हो, तो ये पांचों विषयों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन इस शरीर में जो कुछ देखा, सुना, सूंघा, खाया, छुआ जाता है, सब का अनुभव मैं को होता है। जो मैं तत्व सब में है, मैंने स्वाद लिया, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, मैंने देखा, मैंने सुना, एक मैं को, जो मैं तत्व है, उसी को बोध होता है। इसलिए जो मैं तत्व है, आत्मा, जीव, चेतन, वो नियंत्रक है।
और ये सब नियंत्रित हैं, जीव के नियमन में ये चलती हैं इंद्रियां। जीव स्वतंत्र है, इंद्रियां परतंत्र है। खड़े स्त्री लोग खड़े रहते हैं 12-12 बरस तक, बैठते ही नहीं, खड़े खड़े टट्टी करते हैं, खड़े खड़े सोते हैं, वो एक पीढ़ा रखे रहते हैं और पीढ़ा में रस्सी पिरो देते हैं और कहीं पेड़ की डाली में या मकान के किसी सातीर में लटका देते हैं, उसी में सीना टिका करके सो जाते हैं। खड़े खड़े टट्टी करेंगे, खड़े खड़े नहाएंगे, खड़े खड़े खाएंगे, 12-12 वर्ष 15-15 वर्ष खड़े रहते हैं, पैर सूज जाता है, मवाद बहती है, लेकिन पैर उनके बैठ नहीं सकते हैं, मौन हो जाते हैं, उनकी जबान बोल नहीं सकती है, एक हाथ ऊपर उठा लेते ऊर्ध्वबाहु, हाथ सूख जाता है लेकिन नीचे नहीं करते हैं। ये बल है जीव में, जीव इनका नियंत्रक है। इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है, इंद्रियों पर जीव आत्मा स्वतंत्र है। ऐसे प्राण आता जाता है, प्राण का साक्षी आत्मा है, मैं प्राण नहीं हूं। तीसरा कोष मन, संस्कारों का समुच्चय, स्मृतियों का समुच्चय। मेरा मन चंचल है, मेरा मन स्थिर है, इसका बोध किसको होता है? मैं मन नहीं हूं, मन का दृष्टा हूं, मन का ज्ञाता हूं, मन का बोधा हूं, उसका बोध करता हूं, ज्ञान करता हूं, उसको जानता हूं। मन भागता है, मन परेशान करता है, कई लोग काफ़ी मन से परेशान होते हैं क्योंकि उनके अंदर में कामनाएं बड़ी लंबी लंबी है, अहंकार है। अहंकार और कामना से आदमी का मन उद्विग्न होता है, जैसे जहरीला सांप अत्यंत भयानक होता है, उसको क्रोध बहुत होता है और कोई भी प्रतिक्रिया उत्साह नहीं पाता है, ऐसे घोर अहंकार की दशा है। जरा सी प्रतिकूलता सहन नहीं, फनफना उठता है और इसी को लेकर के मन का उद्वेग बढ़ता है। इच्छाएं लंबी लंबी हैं, पूरी होने वाली तो हैं नहीं, आज तक किसी की पूरी नहीं हुई, आगे भी पूरी किसी की नहीं हुई, थोड़ी मोड़ी कहीं पूरी हो जाती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी जो दम दे करके पूरी करने लायक, लेकिन बहुत थोड़े निकले, सफल हुए और असफल ही रहा। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कामनाएं पूरी नहीं होती। जिनका अहंकार बढ़ा चढ़ा है, जिनकी कामनाएं लंबी लंबी हैं, उनको बेचैनी रहना है। अहंकार के नाते थोड़ी प्रतिकूलता सहन नहीं होती है और प्रतिकूलता आई तो रात भर बिस्तर पर करवटे बदलते रहे। लड़के ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, भाई ने कह दिया है, नौकर ने कह दिया है, स्वामी ने कह दिया है, गुरु ने कह दिया है, शिष्य ने कह दिया है, पड़ोसी ने कह दिया है, समधी ने कह दिया, कहीं से भी हो, अहंकार की मात्रा जितनी अधिक होगी वो बेचैन हो जाएगा और मालूम होगा प्रलय आने वाला है, मेरा विनाश है। अत्यंत अंधकार में वो डूब जाता है, अत्यंत उद्वेगित हो जाता है, अशांत पीड़ित। कामनाएं हैं, उछलती हैं, पूरी होने वाली तो है नहीं, उसी के उधेड़बुन में पड़ा रहता है। तो मन का उद्वेग, मन के उद्वेग में सारा संसार जल रहा है। धनी है, विद्वान है, पूज्य है, प्रतिष्ठित है, मन की आग में जलते हैं, पूजा प्रतिष्ठा क्या करेगी? पूजा प्रतिष्ठा कुछ काम नहीं करेगी। पूजा करने वाले, प्रतिष्ठा करने वाले श्रद्धा से करते हैं तो उनके अंतःकरण में प्रसन्नता होगी, लेकिन जो पूजा प्रतिष्ठा पाते हैं
अगर वो सुबस नहीं है तो पूजा प्रतिष्ठा से उनके चित्त में आनंद अगर होगा तो लौकिक बुद्धि है, फिर वही दुख शुरू है। पूजा प्रतिष्ठा से किसी को परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, परम शांत की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बड़े बड़े पूज्य लोग भी उद्वेगित रहते हैं, साधना जो नहीं करेगा वही उद्वेगित रहेगा, साधु गृह से कुछ मतलब नहीं। तो मनोमय कोष ये तीसरा कोष है, भयंकर, बहुत उद्वेग वाला, बहुत व्यथित करने वाला। और चौथा कोष प्राणमय, बुद्धिमय, विज्ञानमय, जो बुद्धि का कोष है, विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष ये बुद्धि कोष है जहाँ ज्ञान का खजाना इकट्ठा होता है, बहुत ज्ञान का भंडार, विशाल बुद्धि। कुछ कुछ विशाल बुद्धि के लोग होते हैं, सायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया चढ़े गई कोई न लागा ठौर। साहब कहते हैं कुछ लोग अपनी बुद्धि को सायर समुद्र की तरह बना लेते हैं, उनकी प्रतिभा बड़ी विशाल होती है, सायर बुद्धि बनाए के, लेकिन बाएं विचक्षण चोर। बाएं होते हैं टेढ़े चलने वाले, विचक्षण तो हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन चोर हैं, सभ्यता के नाम पर कपट छल और दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, वैराग्य के नाम पर दिखावा और अंदर में दुराचार है। बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहड़े गई, ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ करके सारी दुनिया जहड़े गई, खराब हो गई, नष्ट हो गई, कोई न लागा ठौर, कोई ठौर ठिकाने में नहीं लगा। आज जो आप देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े प्रतिभावान धूर्त अखबारों में, टीवी में, जिनका आपको पता लगता है महात्मा हैं, जगत गुरु हैं, बड़े विशाल नाम के हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता और लाखों की भीड़ में बोलने वाले चमत्कारी बाबा अवतार हैं, न मालूम क्या क्या, और उनकी पोल पट्टी, आचार विचार की भ्रष्टता, हिंसा, हत्या, दुराचार, ये सब बाएं विचक्षण चोर हैं। ये आज ही नहीं है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। शक्ति है, शक्ति जिधर लगेगी उधर विकास करेगी। दुनिया के बड़े बड़े संत चोर डाकू होते तो बहुत बड़े बड़े डाकू होते हैं, और जो डाकू चोर हुए हैं दुनिया में वे संत होते तो बहुत बड़े संत होते। शक्ति है, जिस तरफ लग जाए। रत्नाकर डाकू जो प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या करके सब लूट लेते थे, लूटना उद्देश्य केवल नहीं मार भी डालना, वही जब साधना में लगे तो महर्षि वाल्मीकि महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य के रचयिता हुए। शक्ति जिधर लगा दी जाए उधर विकास होगा। तो बुद्धि का बड़ा खजाना, लेकिन संयम नहीं। जो बुद्धि में है बहुत जानते हैं, उसी में हम अपने को भुला देते हैं और उसी में समझते हैं मालटाल हमारे पास है। ये बहुत जानना कोई फायदा नहीं करेगा। और आनंदमय कोष, आनंदमय कोष बहुत सूक्ष्म है और सबके ऊपर छाया रहता है। जहाँ जहाँ अनुकूल मिलता है, अनुकूलता मिलती है, आनंद आता है, और वहीं जीव बंधता है, फिर फड़फड़ाता है। मैं भौरा तुम्हें बर जिया, बन बन बास न ले, अटकेगा कहीं बेली से, तड़फ तड़फ जिए दे। साहब कहते आए भौरा, मैंने तेरे को रोका था, बरजिया बन बन बास न ले, बन बन में सुगंधि न ले, जगह जगह सुगंधि न ले, नहीं तो अटकेगा कहीं बेल से,
विषैली लता से कहीं फंसेगा तो तड़प तड़प करके जान देगा। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंत हो चले निरास। भंवरे बाग में विलंब गए भटक गए, मोह गए, भूल गए अपने को, बहु फूलन की बास। पशु आए चर लिए, घास फूस फूल सहित पशु के पेट में चले गए। ऐसे जीव विलंबे विषय में, ऐसे जीव विषयों में विलंब गए, भूल गए, और फल क्या हुआ? अंतम चले निराश। केवल इतने का अध्ययन कर लीजिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े बड़े धनपतियों पूज्यों प्रतिष्ठितों का अंत देखिए कैसा रहा। दूसरे को तो क्या देखे, अपना देखने की जरूरत है। अगर शांति नहीं है, बेचैनी है, उद्वेग है, अशांति है, कलह है, पीड़ा है, तो फिर जीवन क्या है? पर दोष दर्शन, दूसरे की बुराई, कलह, ईर्ष्या, उद्वेग, अशान, ये सब जीवन की हार है। अंतम चले निराश, कुछ किसी का रहने वाला नहीं है। आनंदमय कोश ये बांधने वाला, पांचों कोश बांधने वाले, ये चेतना आत्मा इन पांचों से अलग है। इसका लक्षण केवल ज्ञान है, चैतन्य है। बीच में एक बात, मन बुद्ध चित अहंकार, ये सूक्ष्म है। ये चेतन से अलग कैसे है, इनसे चेतन अलग कैसे है, एक प्रश्न आया था। मन बुद्ध चित अहंकार अंतःकरण को कहते हैं। दो करण हैं, करण कहते हैं जानने के साधन, आँख नाक कान जीभ चाम, ये पांच बाह्य करण हैं, बाहरी साधन हैं पांचों विषयों को जानने के लिए। पांच ही विषय हैं, छठा विषय नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं। और इनको जानने के लिए साधन आँख नाक कान जीभ चाम, ये बाह्य करण हुए। दूसरा अंतःकरण है, अंतः नाम भीतर, भीतर सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल की अनुभूतियों का दृष्टा, जानने वाला, या जिससे जाना जाए, जिस साधन से, वो अंतःकरण है। जानने वाला तो जीव है, जिस साधन से जाना जाए वो अंतःकरण है। अंतःकरण के चार भेद किए जाते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। सोचना मन है, खोजना चित्त है, निर्णय देना बुद्धि है, स्वीकारना अहंकार है। यहाँ अहंकार वो अहंकार नहीं जो जीव को बांधता है, यहाँ स्वीकारना मात्र अहंकार है। हम कमरे में बैठे हैं, आवाज आई, आवाज सोचने लगे, ये मन की अवस्था है। ये आवाज किसकी हो सकती है? जब ऐसा तर्क आया, खोज, तब चित्त की अवस्था आ गई। अंतःकरण को इस समय चित्त कहते हैं। ये आवाज बैल के गले में लगी हुई घंटी की है। ये निर्णय दे दिया बुद्धि ने, ये बुद्धि की अवस्था है। हो सकता है बैल के गले में न लगी हो, कोई बच्चा हाथ में लेके बजाता हो। बुद्धि सब जगह ठीक ही नहीं रहती है, लेकिन निर्णयवती बुद्धि कहते हैं, जो निर्णय दे दे वो बुद्धि। अंतःकरण की ये तीसरी अवस्था है बुद्धि। चौथी स्वीकार, मान लिया हाँ ठीक है, बैल के गले में लगी हुई घंटी की आवाज है, मान लिया, ये अहंकार की अवस्था है। एक आदमी कपड़ा सिलता है, लेकिन अध्यापन करता है और समय से किसानी का काम करता है, तो वही आदमी किसान भी है,
दर्जी भी है, अध्यापक भी है। क्रियाओं के कारण से भिन्न नाम हो गए हैं। ऐसे एक ही अंतःकरण को मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, जिसका एक नाम है अंतःकरण, जानने का भीतरी साधन। अब बड़ा अद्भुत है, जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक का जो कुछ सुने जाने हैं देखे हैं उनके संस्कार उन पर पड़े। मनोविज्ञान कहता है जब हम किसी अपरिचित कमरे में जाते हैं और हमारी नज़र वहाँ की वस्तुओं पर पड़ती है तो सबके चित्र मन में आ जाते हैं, लेकिन अचेतन और अवचेतन मन में चले जाते हैं, चेतन मन में कुछ रहते हैं, कुछ की याद पीछे होती है। उसका कमरा इतना बड़ा था, अमुक जगह कलश रखा था, अमुक जगह टीवी रखा था, अमुक जगह उसका कोट टंगा था, कुछ बातों की याद रहती है, बाकी सब भूल जाता है। लेकिन वो मन से जाता नहीं है, अचेतन मन में सब छप जाता है। तो ये मन के कितने परत हैं, कितना लंबा है। जो हम याद किए हुए हैं कभी कभी भूल जाता है, तो हम जब ध्यान देते हैं बारंबार तो याद हो जाता है, कागज उलझ गया अंदर में, खोजने लगे, खोजते खोजते मिल गए। ये मन बहुत गहन गंभीर है, फ्लॉपी जो होती है कंप्यूटर में, छोटी छोटी फ्लॉपी में बड़ी बड़ी किताबें आ जाती हैं, लेकिन ये भी बहुत स्थूल है। मन जैसी फ्लॉपी न आज तक बनी न बनेगी, बड़ी अद्भुत फ्लॉपी है। बाहर वाली फ्लॉपी सड़गल सकती, जल जाएगी, लेकिन ये मन की फ्लॉपी जलती नहीं है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, ये बहुत अद्भुत है। और यही जटिलता का कारण है, सब जीव इसी में उलझे। बाह्यकरण अंतःकरण, ये दोनों करणों का भेद समझिए। जानने के साधन को करण कहते हैं। बाह्यकरण आँख नाक कान जीभ चाम है, जो पांच विषयों को जिससे हम जानते हैं। अंतःकरण भीतर मन है, अंतःकरण जिसे सुख दुख की अनुभूतियाँ होती हैं, और उसके चार भेद किए जाते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये मनोमय और चेतन इनका साक्षी है। मन चित्त बुद्धि अहंकार को शोध करके, उसको सुवस करके ये अपने आप को निराला कर सकता है। बहुत जटिल है मन। प्राण अन्नमय कोश का स्थूल व्यापार यही आदमी को उलझाए रखता है। आदमी समझता है, जीव समझता है, मैं देह हूँ, देह से अलग अपने अस्तित्व का उसे बोध नहीं है। अब अगर जानकारी हो गई तो अभ्यास न होने से यथार्थ बोध नहीं होता है, चरितार्थता नहीं होती है, रियलाइजेशन नहीं होता है। चरितार्थता तो तभी होगी जब समाधि में जाए, ध्यान में जाए। बुद्धि द्वारा आत्मा को पांचों कोषों से अलग समझ लिया, मैं मिट्टी का लौंदा नहीं हूँ, अन्नमय कोष में नहीं हूँ, और दूसरा प्राणमय कोष हवा का जो बंडल है वो मैं नहीं हूँ, तो जड़ है। तीसरा मनोमय कोष, ये मन का प्रपंच, ये मैं कैसे हो सकता, इसका तो मैं साक्षी हूँ। चौथा विज्ञानमय कोष, बुद्धि का खजाना, ये भी मैं नहीं हूँ, घटती बढ़ती रहती है चीज़ें जो जानकारियाँ हैं। चौथा पांचवा आनंदमय कोष, ये भी आनंद आता और चला जाता, वो मेरा स्वरूप कैसे हो सकता है। बुद्धि से जान लिए, लेकिन चरितार्थता तब होती है जब ध्यान में जाए, और अंतिम ध्यान में जब पहुँचे तब। पहले तो ध्यान द्वारा एक अभ्यास किया जाता है, ध्यान का एक मशक्कत,
एक प्रयास, एक अभ्यास, उसको एक खूंटे में बांधो, सरल बनाओ, सहज बनाओ। ध्यान उसी का ज़्यादा सफल होगा जो सात्विक भोजन करता है और थोड़ा कम खाता है, विचार अच्छे रखता है, कलह नहीं रखता, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करता, परदोष दर्शन में नहीं पड़ता, अपने को रात दिन देखता है, विवाद से सदैव बचता है, कहीं भी विवाद में नहीं पड़ता है, सिर झुका लेता है, हट जाता है, ऐसा आदमी ध्यान में जल्दी प्रवेश करता है। संतुलित सात्विक सुपाच्य भोजन करने से शरीर में ताजगी रहती है, स्फूर्ति रहती है, और मन राग द्वेष के दबाव में न होने से प्रफुल्लित रहता है। जो कलह कल्पना करेगा, विवाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, गुटबंदी करेगा, वैर विरोध करेगा, दूसरे बुराइयों में लगेगा, कलह करेगा, तामस रखेगा, अहंकार रखेगा, वो ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा उफान शैतान वाला मन कब शांत हो सकता है? मर जाओ तब ध्यान होगा, मर जाओ, मर भयंकर शब्द है। ध्यानी लोग बैठे इसलिए कहने मुझे डर नहीं है, वैसे तो प्रवचनों में भी कहा करता हूँ, मरने के शब्द न कहो और कुछ कहो जो कि पक्का है, और उसी के द्वार से आगे निकलना है, कोई बच नहीं सकता है। जो अंतिम रिजल्ट का दिन है, जिसमें पूर्ण उत्तीर्ण होने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए, उसको हम एकदम भूले रहते हैं, ये हमारे जीवन का भयंकर धोखा है। और वो आवे आचाबूच अचानक आएगा, देरी नहीं लगेगी, तन पिजरा नाई है, काम पंछी उड़ गए हैं, अचानक एक चक्कर आएगा, बस सब गया। कितने लोग तो मित्रों से बात नहीं कर पाते, कुछ पता ही नहीं लगता है, क्षण ही गायब, कैसे चले गए। मरो मरो हो गोरख, मरना है मीठा, गोरखनाथ ने भी कहा, ऐ गोरख मरो, मरना मीठा, मरना अहंकार ममकार को मार देना, शीतल हो जाना, सह लो, सबकी सौ, सबकी, छोटे की बड़े की सबकी सौ, सह करके अमृत मिलेगा, सह करके विजयी बनोगे, झुक करके विजयी बनोगे। साधना का मार्ग भक्त द्वारा सांकरा राई दसवे भाए, मन तो मैगल होए रहा कैसे आवे जाए। भक्त द्वारा सकरा है, राई दाने के दसवें हिस्से के बराबर है, और मन हाथी बना है, कैसे आ जाएगा। नन्ना होई के पीऊ, नन्ना होकर के बच्चा माँ का दूध पीता, जवान नहीं पीता है। अहंकारी आदमी गुरु से भी कुछ नहीं पाएगा, इसलिए विनयावनत बनो। शरीर खोल, अन्नमय मैं नहीं हूँ। दूसरा पर्दा प्राणमय मैं नहीं हूँ। तीसरा पर्दा मनोमय मैं नहीं हूँ। चौथा पर्दा विज्ञानमय, बुद्ध की चमक दमक में नहीं हूँ। पांचवा आनंदमय कोश में नहीं हूँ। तब क्या मैं कुछ नहीं हूँ? कुछ नहीं को जानने वाला, इन पांचों कोशों को जानने वाला, मैं कुछ नहीं कैसे हूँ? मैं तो सबको जानता हूँ। इन कोशों से अपने को विवेक द्वारा अलग करो, और जब ध्यान में पहुँचोगे, मन एकदम शांत हो जाएगा, तब इसका अनुभव होगा कि मैं शरीर मन प्राण नहीं हूँ। एक भौतिकवादी सज्जन, जब वो हमारे ध्यान में आने लगे, तो ध्यान करते करते वर्षों के बाद उन्होंने कहा, अब मुझे विश्वास होता है, अब अनुभव होता है कि आत्मा देह से अलग है।
अपने को सब में मिलाए मिलाए अलग अनुभव होता ही नहीं। बुद्धि द्वारा समझ लिए तो बुद्धिवाद है। जब चित्त शांत हो, शांत चित्त में, तब अपना अनुभव होता है। अनावरण, कोई मूर्ति स्थापित की जाती है तो उस पर पर्दा डाल देते हैं और किसी बड़े पुरुष को बुला करके उसको अनावृत करते हैं, तब सब देखते हैं। मेरा अपना अस्तित्व आत्मा इन पांच कोशों से आवृत ढका, गुरु का ज्ञान लेकर के इसको अनावृत करना है, इन सबसे मैं अलग हूं। यह स्थूल शरीर निरंतर बदल रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, ये मैं हूं। ये तो अत्यंत तुच्छ है। ये हवा का बंडल प्राण धौकनी की तरह, ये मैं कैसे हूं? ये मनोमय, मन का जिसका ठिकाना नहीं कहां कहां बहता है, वो मैं कैसे हूं? जानकारी का बंडल बुद्धि में कैसे हूं? वो घटती बढ़ती रहती है। अब आनंद आया और गया, वो मैं कैसे हूं? मैं तो केवल साक्षी कूटस्थ निर्विकार निर्मल हूं। ससुर रैन सारदी तहां तत्व परले नाय, शशि सूर रैन सारदी, वहां चंद्रमा नहीं, सूरज नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, शरद इत्यादि ऋतुएं नहीं, तत्व नहीं, परले नहीं, न शशांक न पावका है, न वहां चंद्रमा है, न पावक है, न सूरज है। सभी संतों ने ये बात कही, वो किस जगह के लिए कही है? आत्मा के लिए। ब्रह्मधाम आत्मधाम से अलग कहीं नहीं। आत्मा में दिन रात नहीं है, ऋतुएं नहीं है, जगत प्रपंच नहीं है। गाढ़ी नींद में कहाँ रहता है? वहां सब खारिज हो जाता है, वहां आत्मा शेष है, लेकिन वो अबोध दशा है। इसलिए जागने पर फिर तकलीफ शुरू होती है। जागते जागते जो सुसुप्त है वो क्लेश रहित है। सुसुप्त का अर्थ है अपने को पाया हुआ। स्व अपीत सुसुप्ति, ये उपनिषद की परिभाषा है। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। स्व अपीत सुसुप्ति, अपने को पा गया। जो आत्मलीन है, जागृत रहते रहते आत्मलीन है, आत्मा राम, आत्मा आरम, आजीवन, ऐसे आरम, आजीवन जीवन भर, आरम सब तरफ से रमना, जो आत्मा में ही निरंतर रमता है सब तरफ से, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जो आत्मा राम है, वो क्लेश मुक्त है। और ये समाधि में अनुभव होगा और समाधि के बाद व्यवहार में भी उसका अनुभव रहेगा। पांचों कोषों से अलग ये देह स्थिर नहीं है, प्राण स्थिर नहीं है, मन परिवर्तनशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है, आनंद कहाँ रहने वाला है? ये सभागार है, ये चारों तरफ का परिसर है, वनस्पतियां फूल से वृक्ष लदे हैं, भवन खड़े हैं, ये सब में आनंद माने हैं, तो एक बालकपन है। ये कब तक? इनका हमारा संबंध कब तक? माया देख कस रहे हुए भूल, जैसे वनस्पति रही है फूल, ये साहेब बसंत में कहते हैं, माया देख करके कैसे भूल रहे हो? जैसे वनस्पतियां फूलती हैं चार दिन के लिए फिर सूख जाती हैं, टेसु फूला दिवस दस खंखर भया पलास, ये रोज का नहीं है, खारिज हो जाएगा।
इसी में लाश लिटाई जाएगी। जिस घर में हम रह रहे हैं उसी घर में मेरी लाश लिटाई जाएगी। फिर लोगों को बताएंगे, आ जाओ, उनका शरीर छूट गया। फिर कहेंगे भाई अब तो ले चलो, इसकी गत प्राप्ति कर दो, जो करना चाहिए, कोई रोक नहीं सकेगा। तब इसका संबंध कहाँ रहेगा? ये परिसर, ये भवन, ये सभागार क्षण क्षण बदलने वाला, न मालूम कितने सभागार, न मालूम कितने परिसर, उसके सामने तो एक कण बराबर है, कहाँ रहा? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का लाल किला देखो, दिल्ली का पर्यटक स्थल है, जहाँ राजा रानी बादशाह रहते थे। आगरा का किला इतना विशाल व्यवस्थित, आगरा का किला तो अपने में और अद्भुत है, लेकिन उसके बनाने वाले थोड़े दिन रहे, केवल स्मारक, वो भी कब तक रहेगा? काल तो सबको खा जाता है, किंतु जिसको अहंकार होता है वो तो उसका संबंध बहुत ही क्षणिक है। किस वस्तु में आनंदमान है? बाहर का आनंद काल है, आनंद आनंद सबका है, आनंद जीव को काल, पूर्ण परख प्रकाश भो शरण कबीर दयाल। पूर्ण साहब कहते हैं आनंद आनंद सब कहते हैं, लेकिन आनंद जीव का काल है। सदगुरु कबीर दयाल, सदगुरु कबीर की शरण में ये परख हुई कि आनंद जीव का काल है। बाहरी चीजों में आनंद मानने का मतलब है अपने को धोखा देना। इसमें बैठे हुए बुजुर्ग याद करें, जब वे नौजवान थे, विवाह हुआ था, वे दूल्हा बने थे, उनको दुल्हन मिली थी, उस समय का आनंद उनके चित्त का कब तक रहा? प्रथम मिलन में जो आनंद की कल्पना होती है, क्या वो रहती है? युवक युवती एक दूसरे को स्वर्ग मानते हैं प्रथम मिलन में, वही कुछ दिन के बाद एक दूसरे को नरक देखने लगते हैं। आज तक तलाक खूब बढ़ रहा है हिंदुओं में भी, तलाक न हो तो भी उदासीनता तो पक्की है, ये बनने वाली चीज बिगड़ेगी, सारा आनंद क्लेश में जाता है। जो इस चीज को समझता है वो नहीं भटकता है। भावुक मन, थोड़ी अनुकूलता मिली गदगद हो गया, ऐसे मानो रोज रहेगा, जवानी कब तक रहेगी? मन में सोच विचार बुलबुला पानी का, दो दिन में मिट जाए नशा जवानी का। जवानी में जो इतराते थे अहंकार से, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे, संतों की बात की अवहेलना करते थे, अहंकार में ऐसे ऐसे शब्द कहते थे कि हद। आगे चल करके 60 के ऊपर ऐसे बिलबिलाते थे, ऐसे रोते थे कि क्या कहा जाए। सारी चीजों में, सारे रंग में भंग होना पक्का है। आनंदमय कोष में उलझ करके ही जीव पीड़ित है। किस चीज का आनंद मानते हो? अंतर आनंद, अखंड आनंद है। ये बाहर फूल फुलवारी, घर मकान आश्रम और जो कुछ भी चकर मकर है क्षणिक है, और इसमें रमने वाला पीड़ा पाता है। जो आत्मा में रमता है वो परमानंद पाता है। अन्नमय कोष, स्थूल शरीर को अपना स्वरूप मत समझो, प्राणमय, ये धोकरी जो चलती है, ये प्राण तो हरदम बाहर निकलता भीतर आता है। आप सब इतने लोग बैठे हैं, आप सबके अंदर का प्राण हवा हमारे अंदर आ चुका है, और हमारे अंदर का आपके अंदर जा चुका है। कौन इसमें पराया है, कौन छोटा बड़ा है, कौन ऊंच नीच है? पिंडांडे सुब्रह्मांडे विवेक करके देखा जाए, सारा संसार गुथा है, सब साझी की चीज है, कौन अपनी चीज है? ये सब से अपने को अलग समझो, समाधि में ठीक से पहुंच जाओ, तब इसका अनुभव होगा। संकल्प शून्य,
कोई संकल्प नहीं। संकल्पों के समाप्त होने पर शेष स्वयं शुद्ध चेतन रह जाता है, आत्मस्तित्व। सारे संकल्प शांत हो गए, अपने आप वही परम पद है। और जहां बाहर आनंद माने क्लेश शुरू, तत्काल तो नहीं लगता है ये मन भुलाना, थोड़ी अनुकूलता पाया गदगद हो गया, वो प्रतिकूलता होगी वो छिनेगा, फिर पीड़ा कई गुना अधिक। इसलिए प्राप्त अनुकूलता में आनंद मानने का बालकपन छोड़ो, निरंतर आनंद, अखंड आनंद, अहंकार और कामना के विसर्जन में, अंतर्मुख होने में, अंतरलीन आत्मलीन होने में, स्वरूपलीन आत्मलीन ब्रह्मलीन कुछ भी कहो, ब्रह्म नाम बड़ा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आत्म अस्तित्व ये जीव ब्रह्म, जीवो ब्रह्मयु ना परा, ये वेदांतियों की घोषणा है। जीवो ब्रह्मयु ना परा, जीव ब्रह्म एव न अपरा, ये इसका पदच्छेद है। जीव ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, न अपरा दूसरा ब्रह्म नहीं है, ये जीव ब्रह्म है, ये चेतन आत्मा ब्रह्म है। और अपने आप में लीन होना ब्रह्मलीन होना है, आत्मलीन होना है, स्वरूपलीन होना है, ये निर्भय पद है, क्लेश रहित निर्द्वंद। खूब अभ्यासी बनो, अकेले में सहज ही जब बैठ जाओ, मन पर ध्यान दो, बटोल लो, कुछ न सोचो, शांत सोच सोच के क्या करोगे। बचपन से जब से हो उसमें आए, सोच सोच करके दिमाग को फोड़ा बनाए हो, राग किए हो, द्वेष किए हो, कलह किए हो, विवाद किए हो, चित्त में विषय वासना का उद्वेग किए हो, नरक भोगे हो और क्या किए हो। सोचना बंद करो, शांत। अगर सोचो तो अच्छी बात सोचो, खराब न सोचो, संसार की नश्वरता सोचो, आत्मा का शिवत्व सोचो, नित्यत्व सोचो, सब कुछ की परिवर्तनशीलता को सोचो। जहां जहां मन उलझता है उसकी वास्तविकता को सोचो तो नहीं उलझेगा। सच्चाई न समझने इसके कारण दुख है। अगर हमारे मन में दुख आया तो मतलब यह है कि हम समझ नहीं पाए, समझ जाए दुख नहीं होगा। दूसरे के ऊपर हमारा अधिकार नहीं, बड़े पर नहीं, छोटे पर भी अधिकार नहीं, किसी पर अधिकार नहीं। इसलिए कोई कुछ कहे सा लेना है, निर्विकार भाव से। अहंकार आसान हो गया, असंतोष हो गया, समझ नहीं पाए, मान लिए मेरा है, कैसे कहा ये, कोई मेरा नहीं है, सब मित्र हैं, सब मिले हैं, भीड़ है, भीड़ में चल रहे हैं, कोई कुछ कह दे कोई दोष नहीं। जैसे जो समझता है कहता है, अपनी को निर्विकार रखो। धर्मशाला में लोग इकट्ठे होते हैं, सब न्यूट्रल एक दूसरे से, निष्पक्ष सरल सहज एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं, पता भी कितने भाव लिख लेते हैं, टेलीफोन लिख लेते हैं, चाहे पीछे करें चाहे न करें। और जब जब जिनका समय आया, बुढ़िया बिस्तर बांधे, अपनी अपनी गाड़ी पकड़े चले गए। बस ऐसे हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसे समझें, अपने को बांधे ना, अपने को एकदम हल्का बना लें। ये राग के बोझा से, द्वेष के बोझा से जीव पीड़ित है, भाव सागर यही है, इस भाव सागर से बचें। ये पांच कोसों के आवरण में जीव ढका है। निरंतर विचार करो, मैं स्थूल देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, प्राण हवा है, जड़। स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष मिट्टी का लौंदा है, और प्राण भी हवा है, और मन एक रिकॉर्डिंग है संस्कारों की, और बुद्धि चेतन के सहजर्च से वह एक ऐसा
स्थान है जहां जानकारियों का संग्रह, वो भी औपाधिक है, नित्य आत्मा में नहीं, और जहां अनुकूलता में सुखानुभूति होती है वो भी कोई स्थिर तत्व नहीं है, इसलिए सबसे मैं भिन्न हूं। इन सबसे जो अपने को भिन्न निरंतर समझता है वह शोक मुक्त हो जाता है, क्लेश रहित हो जाता है। इन सब बातों को जो पहली बार सुने हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरा नहीं समझते होंगे, लेकिन ये बारंबार सुनने की चीज़ है, बारंबार पढ़ने मनन करने की चीज़ है, एक बार में कुछ नहीं होता है। सामान्य अध्यापक के पद के प्राप्त के लिए भी बच्चे छुटपन से 20-25 वर्ष की उम्र तक पढ़ते हैं तो सामान्य अध्यापक होते हैं। अब अध्यात्म का जो उच्चतम विषय है लोग खड़े खड़े समझ लेना चाहते हैं। एक फोन आया युवक का, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, साक्षी भाव में, कहा महाराज इसको समझा दीजिए। मैंने कहा फोन से कहीं समझा मिलेगा ये, आओ। तो दूसरे दिन आ गए, 150-200 किलोमीटर पर दूरी पर वो है, बड़ा उत्साही है, आ जाता है, आ गया, समझाया, खुश हुआ, गया, फिर फोन किया। मैंने कहा फोन से ज़्यादा बात नहीं, फोन से कुशल मंगल बहुत है, ये सब विषय फोन से नहीं होता है। कितने लोग हैं खड़े खड़े प्रश्न करते हैं, महाराज जरा बता दीजिए, गाड़ी मेरी जल्दी है। अध्यात्म का विषय खड़े खड़े सुनना चाहते हैं, और कामों में तो लगे हैं खूब डट करके, लेकिन इसी में शॉर्टकट रास्ता चाहते हैं। शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं, अपने आप को सबसे अलग कर लेना, यही आत्मज्ञान का फल है। जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व आत्म तत्व शुद्ध चेतन मात्र, जो सब समय ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, उसमें कोई शोक मोह नहीं है, वही आप है। लेकिन आप अपने को देह प्राण मन बुद्धि अहंकार मान करके उलझे और दुखी, इन बातों का बारंबार मनन करें। ऐसी बात पर जो अधिकारी पुरुष हैं उनसे पूछें, ऐसी पुस्तकें पढ़ें, चिंतन करें, स्वरूप ज्ञान के विषय को ठीक से समझें, अपने आप को देह मन प्राण बुद्धि से अलग समझ करके स्थित बनावें, यही आध्यात्मिक पथ है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।